नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम आपको यूजीसी नेट जून 2020 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये थ्योरी जो है गागने का अधिगम सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है और आपके सिलेबस में अधिगम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। आपके अपने नोट्स में गागने के अधिगम सिद्धांत को जरूर सम्मिलित कर लीजिएगा, एग्जाम में इस बार आएगा ही। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 के लिए ये प्रिपरेशन वीडियो है, जो आप शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए आपको जो है, और उसके बाद आपको जो है इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। गागने का अधिगम सिद्धांत, यहाँ पर हमने आपको ये जो नोट्स है उसको हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। रॉबर्ट एम गागने एक प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिनकी अधिगम दशाओं का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया समझने में प्रायः प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम दशाओं का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया समझने में प्रयोग किया जाता है। उसके उन कारकों को पहचाना जो मानवीय अधिगम स्वभाव की जटिलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विचार प्रायः यांत्रिकी शैक्षणिक तकनीकी को समझने में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यांत्रिकी शैक्षणिक तकनीक को समझने में मदद करते हैं इनके जो अधिगम सिद्धांत है, जिसका संबंध मानव व्यवहार के सुधार व निष्पादन एवं दक्षता आधारित शिक्षा से है। ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन बातें। गागने के अनुसार मानव योग्यता में गुणात्मक परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए, मानव योग्यता में गुणात्मक परिवर्तन ही अधिगम है, जिसे दिमाग में पक्का बैठाया जा सकता है और जिसको मात्र विकास वृद्धि की प्रक्रिया से नहीं समझा जा सकता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार अधिगम मानव मस्तिष्क के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। इसकी तुलना पाचन और श्वसन की जैविक प्रक्रियाओं के समान की जा सकती है। सीखने वाले को सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी ज्ञानेंद्रियां, केंद्रीय स्नायु प्रणाली और मांसपेशियां है। देखिए कितने अच्छी बातें बता रहा है। गागने ने संज्ञानात्मक विचारों को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा और उसी के आधार पर अधिगम के विभिन्न प्रकारों का एक अनुक्रमवादी मॉडल तैयार किया। इसके यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि एक संयुक्त सिद्धांत कैसे विभिन्न प्रकार के अधिगमों को सब प्रकार के अधिगमों से जुड़े होने से व्याख्यात्मक कर सकता है। इसने अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक सेट प्रस्तुत किया। उदाहरण के रूप में यह बता रहा है, देखिए, यदि अध्यापन सामग्री छोटे छोटे भागों की तर्कसंगत क्रम से स्पष्ट ढांचे में छात्रों को प्रस्तुत की जाए तो छात्र सर्वोत्तम तरीके से सीखते हैं। ये उदाहरण जो है गागने के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पर गागने के जो अधिगम दशाएं हैं उसकी जो सिद्धांत है, गागने ने 8 प्रकार की अधिगम दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो कि सुगम से जटिल की ओर बढ़ती है। यदि भी गागने ने इन दशाओं को अधिगम के प्रकार कहता है, परंतु वह दशा के उन परिणामों को महत्व देता है जो व्यवहार व कार्यविधि रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 अधिगम किस्मों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। सिग्नल अधिगम के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यक्ति दिए गए संकेत के प्रति अनुकूलित अनुक्रिया देना सीख जाता है। अधिगम अनभिप्रेत इतफाकी होता है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, व्यक्ति किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, इष्ट अनुक्रिया पुरस्कृत होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला, पहले सीखी हुई 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों को सीखने के लिए जोड़ दिया जाता है, ये भी इसको श्रृंखला का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करना। मौखिक सहचार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, मौखिक उद्दीपन अनुक्रिया के सहसंबंध जो श्रृंखलाओं का रूप धारण कर लेते हैं, इसमें आते हैं। उदाहरण के लिए, शिशु एक वस्तु को पहचानता है
और उसके नाम जैसे लाल गेंद से पुकारता है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय बताता है, यह मौखिक माला है। ठीक है, ये भी आपको जो है समझना है। बहुविध विभेदीकरण, छात्र सीखी हुई मौखिक और गामक लड़ी को पहचानता है, उनमें अंतर कर सकता है। अवधारणा अधिगम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्दीपनों की समान श्रेणी की एक सामान्य अनुक्रिया, एक अवधारणा को सीखने में छात्र उसके अमूर्त गुणों जैसे आकार, रंग, जाति के आधार पर अनुक्रिया कर सकता है। और सातवां है नियम अधिगम, एक नियम को सीखने में छात्र एक व एकाधिक अवधारणा को जोड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण के लिए पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यह क्वथनांक उबलना और तापमान दो भिन्न अवधारणा है। ठीक है, एक क्वथांक अलग होता है, क्वथनांक अलग होता है और तापमान दोनों अलग होता है। समस्या समाधान, कुछ अध्येता उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखे गए नियमों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान दो या दो से अधिक निम्न स्तरीय नियमों को सम्मिलित परिणाम है। इसके अतिरिक्त घटना सोच विचार की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, साथ ही साथ लाइक भी करें। दोस्तों, हमारे प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध हो, और हमारे चैनल में जो हमने दिसंबर 2019 के लिए जो लाइव क्लास चलाया है, लाइव क्लास के सभी वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही साथ जून 2019 के भी हमने लाइव क्लास चलाया, उसको जरूर देखें। साथ ही साथ दिसंबर 2018 के भी जो है लाइव क्लास है। इन लाइव क्लास को देखने के बाद आप परफेक्ट रूप से ज्ञानी हो जाएंगे, और आप इस बार जून 2020 में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।